सोलन में राजनीतिक दलों द्वारा लगातार किसानों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट के सब्ज बाग दिखाए और अच्छे मुनाफे के वायदे किए हैं, लेकिन भाजपा हो या कांग्रेस, किसी भी सरकार ने उनकी ये मांग को पूरा नहीं किया है। यही वजह है कि किसानों को अपनी फसलें कम दामों पर मंडी में बेचनी पड़ती हैं, जिस कारण आज किसानों में भारी रोष पनपा हुआ है। किसानों का कहना है कि चुनावों के समय में ही राजनीतिक दल किसानों को याद करते हैं, लेकिन जब जीत हासिल हो जाती है तो किसानों को भूल जाते हैं। किसानों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता सोलन आए और किसानों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट देने के वायदे किए, लेकिन आज तक किसानों को केवल वायदों का झुंझुना थमाया गया है और आज तक उन वायदों को अमलीजामा पहनाने का प्रयास तक नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही नहीं, राजनीतिक दलों ने भी किसानों से कई बड़े वायदे किए, लेकिन ये चुनावों तक ही सीमित रहे और चुनाव जीतने के बाद ये वायदे हवा हवाई हो गए। कोलकाता रोड शो के दौरान अमित शाह पर हुए हमले से भाजपा में भारी रोष देखा जा रहा है। भाजपा सोलन मंडल ने भी इस हमले की जमकर निंदा की और सख्त कार्यवाही अमल में लाने का आग्रह किया। भाजपा सोलन मंडल ने कहा कि भाजपा की लोकप्रियता देखकर टीएमसी पूरी तरह से बौखला गई है। यही कारण है कि उन्होंने बौखलाहट में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला किया, लेकिन इस हमले का खामियाजा उन्हें जल्द भुगतना पड़ेगा। रोष प्रकट करते हुए भाजपा पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के काफिले पर हमले की बे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने इस हमले को लोकतंत्र पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि इस घटना पर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए और जो भी दोषी है उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने जहां पर नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा, मोदी के ऊपर खूब जुबानी हमला बोला। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि जब गिदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है और जब नीरव मोदी की मौत आती है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोदी भी बैठ जाता है। सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, सच की पार्टी है, जबकि नरेंद्र मोदी झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने कहा कि जब वे गोदी में खेलते थे तो माँ कहती थी सोजा गब्बर आ जाएगा। तब वे समेत जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिक्ष में यान भेज दिया था। जब नरेंद्र मोदी पालने में मिला झूल रहे थे तो बाखड़ा डैम बन गया था। सिद्धू ने जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर रामलाल के पक्ष में वोट मांगे वहीं पर उन्होंने मोदी के ऊपर सीधे प्रहार किए। उनका पूरा चुनावी भाषण नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आया। उन्होंने मोदी पर सेना के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सेना देश की रक्षा के लिए है, न कि नरेंद्र मोदी के चुनाव के लिए। मंच पर पहुंचते ही कहा कि चौकीदार को निपटाने आया हूं। उन्होंने कहा वही बढ़ती बेरोजगारी 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के खाते में डालने, नोटबंदी और जीएसटी इत्यादि को लेकर भी घेरेबंदी की। राफेल डील पर प्रधानमंत्री को किसी भी जगह बहस करने के लिए चुनौती देते हुए कहा कि यदि इस चुनौती में सिद्धू हार गया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। सिद्धू ने बीच बीच में मोदी की आवाज निकालकर जमकर खिल्ली भी उड़ाई और कहा कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, लेकिन राफेल डील से तो सारा का सारा माजरा ही साफ हो गया। सिद्धू ने प्रधानमंत्री पर चुटकीले अंदाज में कई तंज भी कसे, कहा कि ना राम मिला ना रोजगार, मोदी तेरे राज में हर गली में मोबाइल चलाता हुआ बेरोजगार मिला। इसी प्रकार वर्ष 2014 में गंगा के लाल बनकर आए थे और वर्ष 2019 में राफेल का दलाल बनकर जाओगे। उन्होंने कहा कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा हवाई निकला, महज 8 लाख को ही रोजगार नसीब हो पाया। इसी तरह 15-15 लाख प्रत्येक हिंदुस्तानी के खाते में डालने का वायदा भी जुमला ही साबित हुआ। उन्होंने कहा कि सरकारी उपक्रमों को बंद करके अडानी व अंबानी को फायदा पहुंचाने का ही काम किया है। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर लोगों को बांटकर अपनी राजनीतिक बेतरनी पार लगाने की नरेंद्र मोदी की कोशिश इस बार नाकाम रहेगी।
शासकीय महाविद्यालय सुजानपुर टिहरा में आज महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल गौतम ने समस्त स्टाफ के साथ एक मीटिंग की, जिसमें स्नातक स्तर की परीक्षाओं में सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया। बताते चलें कि यह परीक्षा 10 अप्रैल 2019 से शुरू होकर 14 मई 2019 तक चलेगी। इसी के पश्चात समस्त स्टाफ ने महाविद्यालय परिसर की सफाई की तथा फूलों के गमलों को भी साफ किया। इस स्वच्छता अभियान में प्राचार्य सहित समस्त स्टाफ ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके पश्चात 19 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करने का संकल्प लिया तथा इसके माध्यम से सभी छात्र छात्राओं को भी मतदान करने के लिए प्रेरित किया।